हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वो देखो, सेमल का टेसू बोलती है ना, सेमल जिसका वृक्ष होता है, 35 फुट तक जाता है ये, और ये बर्ड्स के थ्रू हमारे घर में आ गया है। और ये देखो, ये भी बड़ा ऑस्पिशियस प्लांट माना जाता है। दूर दराज देशों में भी इसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, चाहे फार्म लैंड्स में एक साइड पर कहीं लगा हो या घर के आगे लगा हो, घर के आसपास हो। 7 लीव्स प्लांट होता है ये, 6 से 7 लीव्स प्लांट होता है ये। और अब आप ये देख रहे होंगे, मैंने जाल बना रखा है। और ये मैक्सिकन पिटोनियाज है, वाइट पिंक, और ये है पर्पल। इसमें तो बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। और बारिश बारिश होने से ये वाइट वाला कनेर देखो कितना ब्लूमिंग किया। पहले तो एकदम चुपचाप ऐसे शांत से ब्लूमिंग नहीं कर रहे थे, और इनके ना कम, मतलब बर्ड्स तो बहुत बन रहे थे लेकिन 2-3 ही फ्लावर आ रहे थे, ब्लूम अच्छा नहीं हो रहा था समर की वजह से, काफ़ी हाई टेम्परेचर होने की वजह से। और अभी आप देखोगे 2-3 दिन की बारिश क्या इस पर छींटे पड़े, और बरखा की बहा क्या फुहारें पड़ी, और सारे जो फ्लावर्स हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग हुआ है। ये तो इससे पता चलता है कि रेन इनके लिए बहुत ही मस्त है। हम कितनी भी शावरिंग ऊपर से करें लेकिन इनके लिए रेनिंग, जो रेन है, जो बारिश है, वो इनको चाहिए ही चाहिए। इनको चाहिए ही चाहिए बारिश तो इनको चाहिए। कितना शावरिंग में करती थी लेकिन इनमें कभी भी मैंने इतना ब्लूमिंग नहीं देखा, और पहले भी इन्होंने बारिशों में ही ब्लूमिंग किया। ये देखो, इनकी फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये ना पूरे कम ही खिलते हैं, आज मैंने पहली बार इनको इतना खिले हुए देखा है। अदरवाइज़ ये फुल ब्लूमिंग नहीं करते हैं, ये इतने ही रहते हैं। ये दूसरे टाइप का वाइट है, थोड़ा शेप इसका देखो डिफरेंट है, आपको मैं कहीं क्लियरली दिखा पाऊँ। ये देखो, ये इसका ऐसे शेप है, और वो देखो इसमें देख लेते हैं। ये देखो, इसके थोड़े शेप अलग है। एक वाइट वाला अलग आता है जिसमें राउंड कलर, राउंड होते हैं फ्लावर्स, राउंड शेप में होते हैं, वो फुल ब्लूमिंग करते हैं, पूरे खिले हुए रहते हैं। ये वाले जो होते हैं ना, हाफ बंद रहते हैं, हाफ ही खिले रहते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो आज आपसे यही शेयर करना था मुझे। ये देखो, और आप इसकी खूबसूरती देख रहे होंगे, सारा अच्छा ब्लूमिंग किया इन्होंने, अच्छे से फ्लावर आए। इसी के साथ मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ। आपसे यही शेयर करना था कि बारिश के फुहारें, रेनिंग क्लाइमेट कितना ज़रूरी होता है एक प्लांट के लिए। और जैसे ही हम कितनी भी शावरिंग करते थे, कभी भी इसने इतनी अच्छी फ्लावरिंग तो नहीं की। हाँ, बर्ड्स आ जाते थे अच्छे से, लेकिन अभी देखो, आप देख सकते हैं, ये देखो, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।